बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एक इम्पॉर्टेंट खबर, वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान में पावर शो। उस पावर शो के बाद बहुत सारे ख़ानदानी सियासत के जो अपने आप को कहते हैं सारा साल से, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। और साद रिजवी ने वहाँ पर तीन, मैं उनके जो खिताब है उसके तीन अहम नुकात हैं जो आपके सामने बयान करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि डी आई खान की सियासत में उन्होंने एक कहते ना पानी जमा था, वहाँ पर एक कंकर मारा, उसके साथ हलचल मच गई है। और कश्मीर कमेटियों के गद्दारों को एक लिहाज से वहाँ पर उन्होंने बेनकाब किया है। और वो जो तासुर था अलामा शफी कमीनी की मुलाकात का, वो भी आज के खिताब में यानी कि समझे कि मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो गया, और उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करें। इसके अलावा तहरीक-ए-लबैक के रुकन शुरा मोहतरम जनाब सरवर शाह साहब फैजी साहब, उनके घर पर फायरिंग की गई है। फायरिंग करने वाले कौन थे, उसके बाद भोरेवाला में क्या सूरत हाल थी, एहतजाज किया गया, डीपीओ ने कहा क्या कहा, ये तमाम चीज़ें आज आपको इस वीडियो में जानने से मिलेंगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, यूँ आपको और मेरा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म है कि डी ए खान में ANP के जो उम्मीदवार थे उनके कत्ल के बाद वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं कहूँगा बल्कि बल्दियाती इलेक्शन जो थे वो मुलतवी हो गए थे, और वहाँ पर मेयरशिप का इंतखाब जो है वो होना बाकी है। 17 तारीख है, और उससे पहले आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर का जो भाई है उमर अमीन गंडापुर, उसको जो है वो नाअहल करा दिया गया है, और सूरत हाल वहाँ पर अब मुकम्मल तौर पर सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है, और सियासी हवाले से उसको चैलेंज करने का भी ऐलान किया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में तहरीक-ए-लबैक ने वहाँ पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। उस कॉन्फ्रेंस की जो एक पावर शो था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी खुद वहाँ पर चल के गए, इससे पहले वो नहीं गए, और इस खिताब वहाँ पर जाके किया उन्होंने, और उनका वहाँ पर शानदार इस्तकबाल किया गया, तारीखी बल्कि कहे कही कि इस्तकबाल किया गया। वहाँ पर डी आई खान के लोगों ने उनको वेलकम कहा, और उनके खिताब के हवाले से दो से तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने कश्मीर का मुकदमा वहाँ पर आवाम के सामने रखा, और फिर कश्मीर कमेटियों में जो पैसे और लस्सी और उसके मुख्तलिफ मदों में खाते रहे उनके खिलाफ भी शदीद आवाज़ बुलंद की, और कहा कि आप कश्मीर कमेटी में बैठे रहे, कभी आपने कश्मीर की आवाज़ बुलंद नहीं की। और ये अपने आप को ताकत और सियासी पंडित कहलाते हैं, लेकिन हम जितने भी हैं बहरहाल हम इनका मुकाबला करेंगे। मैं चाहूँगा कि कुछ गुफ्तगू है उनकी, ये सुनिए, आपको पता चलेगा कि किस अंदाज में उन्होंने उनको ललकारा है मौला फजल रहमान को उनके घर जाकर। ये सुनिए जरा गुफ्तगू। इकबाल कहता है, हो अगर दर पर्दा कुव्वत फिरौन की मुरीद, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाही, कौम के हक में लानत है वो कलीमुल्लाही। अगर किसी ने परचून के भाव में कश्मीर को बेचा हो, किसी ने थोक में बेचा हो, फर्क तो कोई नहीं, दाव उसका दाव उसका बसी परचून का था, उसका बस थोक का नहीं था। कोई कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन और कुछ कश्मीर के जनाब कास को सारी जिंदगी खाने वाले, बचाने वाले, फिर कौम के सामने रोने वाले, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने भी तो परचून में कश्मीर को बेचा ही है, और आप जो बड़ी बड़ी मूछें लेकर अपनी कौम को कहते हैं हमारे भाई को ना जितवाया, हमारे यूं ना किया, मैंने कहा शर्म करो और कुछ गैरत करो। तुम अपनी कौम के अपने लोगों को धमकियां देते हो कि हमें वोट ना दिया तो हमें तुम दफातर में दाखिल नहीं होने जाएंगे। मैंने कहा डूब मर जाओ, तुम भी शक्ल दिखाने का लो इस कौम को कि तुम तो एक हिंदुओं से बात नहीं कर सके, तुम तो कश्मीर की बेटियों के लिए जा नहीं सके, तुमने तो कश्मीर के लिए कुछ किया नहीं, अपनी कौम को आंखें दिखाते हो, डूब के मर जाओ। इकबाल कहता है महफिल कौनो मकाम है सहरो शाम फिरे। अब मैं आपका तारुफ उसको कराने लगा हूं जो मजहबी पंडित हो या सियासी पंडित हो, जो समझता है कि पाकिस्तान हो या डेरा इस्माइल खान हो, खैबर पख्तूनख्वा उनके बाप की जागीर है, ऐसे नहीं है। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का कला है, इसमें वही चलेगा जो झूठे वादे और झूठी बातें और झूठी फनकारियां लेकर आएगा, उसकी डुगडुगी अब नहीं चलेगी, अब तो करके दिखाना पड़ेगा। जनाब यारी, आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली है, कश्मीर को बेचा, किस तरह बेचा,
और किस तरह ये लोग अपने आप को कश्मीर के मतलब करता धरता समझते हैं। इस वजह से उन्होंने उनको घर में जाकर ललकारा है और बताया है कि आपने कश्मीर के मामले पर किस अंदाज में सौदाबाजी की और हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बार बार अल्लामा इकबाल के शेर भी कोट किए और साथ ये कि इस सारी गुफ्तगू में उन्होंने 57 इस्लामी ममालिक के सतूर और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव साहबान को भी कहा कि उनके एक तरफ पूरी यानी कि 57 इस्लामी ममालिक खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ वो बच्ची मुस्कान जिसने 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह एक तरफ लेकिन उस बच्ची ने नारा तकबीर यानी कि अल्लाह अकबर 3 दफ़ा उन्होंने ख़ुद भी नारा लगाया उसको भी कहा कि किस अंदाज में उस बच्ची ने जो है अल्लाह की सदा बुलंद की और आज पूरी दुनिया में उसके चर्चे क्या गुफ्तगु की है ज़रा सुनिए। जनाब अली आपने सुन लिया पूरी गुफ्तगु उनकी 11 से 12 मिनट का खिताब है, कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं है। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान को उनके घर में ललकारा, कश्मीर का बताया कि आपने कश्मीर के मामले पर क्या किया है, और दूसरा ये कि उन्होंने वहाँ के लोगों को भी झंझोड़ा कि वो तरीके लब्बैक को आजमाएँ, वोट दें और एक लिहाज से उसको ऑप्शन के तौर पर देखें और बाकी जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने कहा कि ये ईमान की अलामत समझे जाते हैं। और अब आपको उसमें मैं बताता हूँ जनाब कि सैयद सरवर शाह जनूबी पंजाब के अमीर हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बरकती शुरा के रुकन भी हैं। इनके बारे में आज जो खबर आई वो ये कि इनके घर पर फायरिंग की गई, हमला किया गया एक लिहाज से, और इस तरह के इकदाम जो होते हैं एक तो ये कि इनकी इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है काबिल मजम्मत, और दूसरा ये कि इसका मकसद ये होता है किसी को डराना धमकाना, एक मैसेज देना होता है। बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, मेरी खुद इनसे मुलाकात है, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था स्काइप पर। इसके अलावा जब वो वज़ीराबाद पहुँचे थे वहाँ पर मैं खुद गया था इनके खेमे में, तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठा रहा, इनकी गुफ्तगू सुनी, ओवरऑल गपशप भी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि आदमी है और ये वो शख्स हैं कि जिसने तहरीक लब्बैक के धरने को लॉन्ग मार्च को लीड किया और फ्रंट से लीड किया था और तमाम गोलियाँ और आंसू गैस शेलिंग सबका इन्होंने बराह रास्त मुजाहरा किया था। और जब वज़ीराबाद रुके थे और मुज़ाकरात के लिए उस वक्त मेरे ही टेलीफोन मैंने इनको कहा था कि हुकूमत आपके साथ निगोसिएशन करना चाहती है तो आप ज़रा रुक जाएं, तो वह वहाँ पे रुके और निगोसिएशन हुई, मुज़ाकरात हुए, सब कुछ कामयाब हुए, आपने देखा भी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, उनके घर पर हमला होना, DPO साहब और बाकी जितने अहबाब हैं वहाँ पर एहतजाज भी किया गया तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने, बाकी मुख्तलिफ शोबा है वकला और दीगर इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं कि इस तरह का इकदाम भोरे वाला की फ़िज़ा को ख़राब करने के मुतरादिफ है। और तहरीक लब्बैक के लिए भी एक पैगाम है कि वो अपनी सिक्योरिटी पर ख़ास तवज्जो दें। जो भी है हुकूमत को ऐसे नसल को बेनकाब करना चाहिए। वकला बरदरी भी इसकी मजम्मत कर रही है। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया इसके ऊपर क्या करती है और उन लोगों को सामने लाती है या नहीं कि जो इसमें मुलव्वस है। नई वीडियो नई अपडेट के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।